लुकवासा शिव वाटिक में भाजपा मंडल की कामकाजी बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य रूप से मुख्य अतिथि प्रदेश कार्य समिति सदस्य हरवीर सिंह रघुवंशी, मुकेश चौहान लुकवासा मंडल प्रभारी, मंडल अध्यक्ष देवेंद्र रघुवंशी की उपस्थिति में बैठक में सर्वप्रथम हरवीर सिंह रघुवंशी, मुकेश चौहान सहित कार्यकर्ताओं ने भाजपा के पित पुरुषों की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। आज मंडल की कामकाजी कार्यशाला रखी गई, जिसमें विस्तारक 2 बनाए गए। 10 शक्ति केंद्रों पर मंडल लुकवासा के अंतर्गत विस्तारक एवं पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए, जो बूथ बूथ पर जाकर अपनी संगठन की कार्य योजना के बारे में 10 दिन तक बताएंगे। मिशन 2023 को लेकर ये बैठक थी और हमने उन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी है जो पार्टी के सिपाही हैं, तो 10 दिन गांव में जाकर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, बूथ स्तरीय कमेटी से मिलेंगे। उनका फोकस कार्यकर्ता को तो सक्रिय करना ही है, साथ में जो मोदी जी और शिवराज सिंह की योजना है, जो हितग्राही हैं, जो लाभांवित हुए हैं, उन हितग्राहियों से ही संपर्क करना है और उनके घर जाकर उनसे विचार विमर्श कर का पार्टी की रीति नीति से उनको अवगत कराना है। ये एक मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक योजना चलाई है, लाडली बहना योजना, ये क्या योजना है, इसके बारे में कुछ बताएं क्या? देखिए, जिस तरह हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले लाडली योजना दी, आज लाडली बहना योजना दी है। इसके तहत प्रत्येक उस वो बहन जो संबल योजना में जिसका नाम दर्ज है, उस व्यक्तियों को 25 तारीख से एक अभियान चलेगा हमारी पार्टी का और सरकार का, और पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसमें अपनी भागीदारी करेगा, इससे कोई भी बहना वंचित न रह जाए उस योजना का लाभ लेने के लिए। प्रत्येक बहना को 1,000 रुपया पर मंथ मिलेंगे और 10 जून से ये कार्य प्रारंभ हो जाएगा, 25 मार्च से फॉर्म भरना प्रारंभ हो रहे हैं।